वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज कुछ दिन का आगाज ऐसा हुआ है कि सिद्रा ने आज छुट्टी करनी थी, जो कि मेरे जहन से निकल चुका था। वो कल मुझे बता कर गई थी, पर जब मुझे याद आया तकरीबन 1 बजने वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी सफाइयाँ की, बर्तन धोए, खाना रेडी किया। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है और मम्मा अभी ऑयल की मालिश करेंगी। ये सरसों का तेल है। मुस्तफ़ा की मालिश मैंने डन कर दी है, ऑयल लगा दी है, मुस्तफ़ा के कपड़े निकाल दिए, अभी उसे मैंने इस्त्री करके नहला के पहनाऊँगी। अभी अभी कुछ ऑर्डर दिया था मेरे हस्बैंड ने, ऐसे भी अब मैं जाके देखती हूँ हस्बैंड ने क्या मंगवाया है। ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब मैं इसको खोल कर देखूँ कि मेरे हस्बैंड ने इसमें देखूँ क्या मंगवाया है। पापा को मैंने नहला दी और अब पहनाऊंगी मैं इसे कपड़े। हो गए डन, चलो शाबाश। जरा ने छुट्टी की थी और घर मैंने इब्राहिम और मुस्तफ़ा ने मिलकर साफ कर दिया है, और घर साफ होने के बाद मेरा खाना भी बन चुका है, जिसकी शक्ल मैं आपको दिखा दूँ। कुछ ऐसी मज़ेदार सी दाल बन चुकी है मेरी, खड़े मसालों में बनाई है, जो कि अब हम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे, क्योंकि दाल हमेशा तंदूर की रोटी के साथ मज़े की लगती है। और मेरा किचन भी आप देख सकते हैं, मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। मैंने कबाब पीस लिए हैं, कबाब बनाए थे आज, मैंने कबाबों को पीस लिए हैं और अभी ने मैं टिक्कियाँ बना के फ्रीज़र करने लगी हूँ। जब भी कभी बच्चों को स्कूल के लिए चाहिए हो या फिर नॉर्मली कभी खाने के लिए चाहिए हो, तो फटाफट से बन जाए। ये कबाब हो गए हैं डन, अभी से मैं लगाने लगी हूँ फ्रीज़र में। हम लोग खाना खाने लगे हैं और मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर से आवाज़ें अजीब गरीब सी आ रही है। मुस्तफ़ा ये क्या हो रहा है, इतनी गंदी बात हो रही है। तो व्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं? कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग क्या होता है जी? अब हम लोग खाना खाने लगे हैं और खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि सेवैया बना दे मुझे दूध वाली, तो ये मैंने उनके लिए बनाई। कर दो लेट पार्टी, जल्दी आओ बाहर। अभी हम नानों के घर आ गए हैं, अहमद इब्राहिम और मुस्तफ़ा की नानों के घर आ चुके हैं हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। मम्मी के साथ बाहर गई थी और मुस्तफ़ा की चीज़ लाई हूँ, और जिया को भी इसमें से देनी है। अच्छा जिया को दे दो, ये जिया। ये आ गए हैं ऑफिस से और इनके थोड़े से सर में दर्द है, अब ये चाय पियेंगे भाभी की हाथ की। कैसे हैं भैया? क्या हो गया, सर में दर्द है? और मैं मुस्तफ़ा को यहाँ पर लेकर आई थी सुलाने के लिए, और भाई ने आके लाइट ऑन कर दिए और मुस्तफ़ा जनाब जो है उठ के बैठ गए हैं, है ना। सैलून आई हूँ आईब्रो बनवाने। मैं अम्मी के साथ और बहन के साथ सैलून आई हूँ, आईब्रो बनाने लगी हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपको। मैंने आईब्रो बनवा ली हैं, नीट एंड क्लीन हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। हमेशा मैं ये इन्हीं से बनवाती हूँ और मैं कहीं नहीं जाती। केले कैसे दे रहे हैं? 100 का 1.5 दर्जन। बाकी तो 100 का 2 दर्जन दे रहे हैं सारे। कम नहीं होंगे, थोड़े सही सही बने, ख़राब ना हो। हीम के लिए बनाना भी ले लिए और मेडिसिन भी ले लिए, ब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं बाहर गई थी बच्चों के लिए बन लेकर आई हूँ, ब्राहिम को भूख लग रही थी, आज चिप्स ले वगैरह नहीं खाने, तो आज ये बन वगैरह खाएंगे और बनाना। आपको क्या खाना है? लेस खाने, अभी मैं ला रही हूँ जी। तो मैं कड़ी पत्ता लेने आई हूँ, कड़ी पत्ता ख़त्म हुआ था और मैं खानों में लाजमी कड़ी पत्ता डालती हूँ, तो मैंने कहा यहाँ सामने वाले घर जाके कड़ी पत्ता लेकर आओ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, खासकर दाल में, और खानों में कोई भी चीज़ बनाऊँ ना इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। पपीते का पौधा है, पपीते का पौधा है, और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो यहाँ आके ले सकता है। और अब्बू लोगों ने ये खिदमत खल के लिए रखा हुआ है यहाँ पर गली मोहल्ले में, फीसबिल्लाह किसी को भी डेंगू हो जाए तो वो यहाँ से तोड़ कर उन्हें देते हैं कि आप लोग इसे इस्तेमाल करें और जल्दी से सेहत याब हो जाएं। तो बोलते हैं पपीते के पेड़ पे पपीता पीला पीला, और जो है जल्दी से वो और ये जो है टाइम ट्विस्टर करते हैं ना, पपीते के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पपीते के पेड़ पे पपीता पीला पीला, पपीते के पेड़ पे पपीता पीला पीला। 10 साल भी लगा रहूंगा मुझे सबक याद नहीं होगा ये जी। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, हम लोगों ने कड़ी पत्ता ले लिया है और अब हम घर जाने लगे हैं। क्या हुआ? अभी अभी मैं अम्मी के घर से घर पर आ गई हूँ और खाना मेरा आज बना हुआ है, लाइट चली भी गई तो कोई टेंशन नहीं है। अहमद इब्राहिम फ्राइज लेकर आए हैं और फ्राइज लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था और लाइट भी चली गई थी, पता मम्मा टेंशन में आ गई थी। और ये क्या फ्राइज लेकर आए? चलो जाओ मेरा बेटा खाओ बिस्मिल्लाह करके। आपको क्या हुआ, प्राइस चाहिए? आपको भी मंगा के देती हूँ भैया, आपके भी ले आए, आप रो रहे थे ना मेरे नहीं आए, ये लो आपके भी आ गए, भैया को थैंक यू बोलो। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, अब मिल्क शेक का टाइम हो चुका है,
अभी अभी मैं अम्मी के घर से आई हूँ और बच्चों को जो है सुपारा पढ़ने थोड़ी देर में भेजूंगी। आज ट्यूशन नहीं भेजा, ट्यूशन ना भेजने की वजह ये थी कि इब्राहिम का स्कूल में नकसीर का मसला हो गया था और साथ में अभी जो उसके पेट में भी दर्द था, दवाई वगैरह दिए लाकर मैंने उसे, दवाई से अल्लाह ने चाहा तो आराम आ जाएगा। तो अब यह कि सुपारा पढ़ने भेजूंगी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब भी मंथली टेस्ट हों या एग्ज़ाम्स हों इब्राहिम ने लाजमी बीमार होना होता है। पता नहीं शुरू दिन से जब से ये पैदा हुए इनके साथ ये मसला है कि ये एग्ज़ाम्स हों या मंथली टेस्ट हों बीमार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मसला खुद से क्रिएट करें या कोई मसला इनको, कुदरती तौर पे बीमार हो जाते हैं। तो घर आते ही भूख लग गई है और मैं अब उनको ये सेवइयां देने लगी हूँ। और उठो चलो खा लो ये। मुस्तफ़ा आपने खानी है ना, आपकी भी लेकर आई हूँ। आज दिन में मैंने दाल बनाई थी और अभी सोच रही हूँ बच्चों को चावल बना देती हूँ क्योंकि इब्राहिम का पेट ठीक नहीं है तो वो चावल खा लेंगे दाल के साथ। थोड़ा बहुत क्या दही मंगवा देती हूँ कि दही के साथ वो चावल खा लें। अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी। तो अभी मैंने ये चावल निकाले हैं और थोड़े से मैंने कच्चे चावल भी खाए हैं। बहुत से लोगों को कच्चे चावल खाने की आदत होती है, मुझे इतनी है नहीं, पर अभी अभी मैंने थोड़े से बीच में से ना कच्चे चावल लेकर खाए हैं। और अहमद इब्राहिम सुबारा पढ़ने चले गए हैं और मुस्तफ़ा की ठक ठक की आवाज़ आ रही है, देखूँ क्या कर रहे हैं। खेल रहे हो? खेलना कोई उल्टा काम नहीं करना क्योंकि ये ड्रॉज वगैरह सारे खुले हुए लग रहे हैं मुझे, कोई उल्टा काम करने वाले हो आप? कोई चीज़ मुँह में नहीं डालना, ठीक है? बहुत डर लगता है मुझे जब अहमद इब्राहिम ना हो तो, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ मुँह में ना डाल लें। दरवाज़ा खोल लो। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ना ये इब्राहिम अहमद हों तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख लेंगे इसका, और अगर इब्राहिम अहमद नहीं होंगे तो ये यकीनन कोई ना कोई उल्टा काम कर देगा। आज दिन में जैसे इन्होंने क्या किया कि मोबाइल लेके मुंह में डाला और उसका सारा प्रोटेक्टर और जो भी ऊपर पैनल वगैरह होता है वो ख़राब कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो पैनल है यहाँ से अच्छा खासा दांत मार के इन्होंने ख़राब कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, आ गए थे खाना खा रहे हैं और मुस्तफ़ा ने भी ये मुझसे मीठा दिलवाया है और अंदर चले गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अपने व्लॉग को एंड कर लूँ। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब भी कर दें। प्रेस द बेल आइकन इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। और इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने कचरा डस्टबिन में डालना हो और डस्टबिन बहुत दूर हो और आपका जाने का दिल ना हो तो आपने फिर यहाँ से ऐसे निशाना लगाना है, ये चीज़ डाल देना।